चार जी बी का है वो तो काम चला लेता है, दो सिस्टम पे आने का तो लोड बैलेंस बढ़ता है, ये काम चलता है किसने भी लगा क्योंकि सिस्टम में ये जो क्लास की सिनेरियो होती है हमें कनेक्शन स्ट्रिंग पास करते हैं एक दो बार जरूरत पड़ती है, तो एक दो बार के लिए हार्डवेयर इंप्लीमेंट करना बहुत बड़ी मतलब ये नहीं है। ठीक है मैं एक बार स्ट्रिंग बता देता हूँ, मेरे को ये स्ट्रिंग है ऐसा चलता है। ठीक है अब बहुत देर डेटा के इसका केस करता हूँ तीन मशीन बनते हैं। ठीक है तो जो है आप क्लास को एक्सपेंड कीजिएगा अपने नॉलेज में एडवांस कीजिएगा आपके वो बढ़ते जाएंगे। हाँ हम तो चार दिन खत्म कर रहे हैं, आज ही खत्म कर देंगे। आप पढ़ भी शुरू करेंगे थोड़ी देर से, कॉपी कर लिया सॉफ्टवेयर टाइम से काफी मैंने कॉपी नहीं किया ना इसमें लिनक्स विंडोज वो वाला क्या नाम है कल डिस्कस करके क्या हुआ था फाइल मिलेगा तो फाइल चेक कर लीजिए क्लास को बढ़ाओ वहाँ पे दो कीवर्ड्स हैं वन आर ऑर्डर बाय और दूसरा है ग्रुप बाय ऑर्डर बाय और ग्रुप बाय अक्सर हम इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं
इसका मतलब ये नहीं कि मैं इधर से सॉल्व करता हूँ आपको तो नहीं नहीं हो गया ऑर्डर बाय और ग्रुप बाय ऑर्डर बाय रोज की ऑर्डर ऑफ असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए प्रेजेंट होते हैं रोज की कॉल को ऑर्डर बाय असेंडिंग या डिसेंडिंग के लिए इसी यूज करते हैं डिफॉल्ट ऑर्डर ऑफ असेंडिंग यूज करता है आप इसमें स्टार पॉइंट जगह नहीं चलाते हैं तो डिफॉल्ट ऑर्डर असेंडिंग ठीक है तो फर्स्ट कॉलम जो भी मिलेगा तो जब उस कॉलम के अकॉर्डिंग उसे असेंडिंग फॉर्मेट में मिलेगा कॉलम के रेस्पेक्टिव असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रेजेंट करते हैं और ग्रुप वाइज की मैक्सिमम सिनेरियो एग्रीगेट फंक्शन के साथ करता है ग्रुप वाइज एग्रीगेट फंक्शन के साथ करता है ठीक है मोस्ट ऑफ द सीन एग्रीगेट फंक्शन के सम मीन मैक्स ठीक है इस टाइप के फंक्शन को के अकॉर्डिंग अगर हम फॉलो करते हैं ठीक है समराइजेशन के ऊपर फॉलो करते हैं रूटीन सिमिलर मेजर के ऊपर फोकस करते हैं ठीक है दैट केस हमें ग्रुप बाय को टारगेट करना तो दो डिफरेंट कीवर्ड ऑर्डर बाय ग्रुप बाय ऑर्डर बाय ग्रुप बाय सेपरेट कीवर्ड्स हैं दोनों का यूज डिफरेंट है कोई रिलेशन नहीं है दोनों के बीच पूछने वाले जो पर्सन पूछते हैं ठीक है उनको उसके वो गूगल पे देखते हैं इसका डिफरेंस इसमें वो पाने की कोशिश करते हैं अदरवाइज उनको भी समझ आते हुए नाम नहीं आना पड़ता ठीक है क्योंकि ऑर्डर बाय और ग्रुप बाय का कोई रिलेशन नहीं है ठीक है कई बार अगर ये क्वेश्चन हमारे से कभी कभी हुआ है हमने रिस्पॉन्स तो किया बट हमने पूछा उनसे कि आप हमारा क्या चेक कर रहे हैं आई पी आई डी तो बोले आप बोलना क्या चाहते हैं मुझे दूसरे बोलना चाहता हूँ कि यू हैव आई पी तो ऑर्डर बाय और ग्रुप बाय का कोई रिलेशन नहीं है उसने पूछा क्या पूछा दूसरे चेक करने के लिए तो आपको प्रोग्रामर चाहिए या लेबर चाहिए लेबर जो दीजिएगा टाइप कर देगा उसे प्रोग्रामर सोच के बताए काम करेगा वो बेटर प्रोजेक्ट बेटर एनालिसिस और के वालों यानी ऑर्डर बाय ग्रुप बाय के बीच में कोई रिलेशन नहीं सर बुकिंग एंड गूगल एंड जॉब्स टाइप के कीवर्ड्स के लिए यूज होता है ये नॉर्मल एम्प्लॉयज डिफॉल्ट या ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी चल रहा है डिफॉल्ट ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी चल रहा है पहली कॉलम के अकॉर्डिंग लेके चल रहा है आप प्रेजेंट करें या ना करें अगर आप राइट करते हैं ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी असेंडिंग डिफॉल्ट यही चल ही रहा था ठीक है हाँ आप इसे डिफरेंट वे प्रेजेंट करते हैं तो यह डिफरेंट होगा जिस कॉलम के अकॉर्डिंग होगा ठीक है उसके हिसाब से बॉटम बटन के टॉप की जैसे नहीं कर रहा है कॉलम आपने ये लिखा जहाँ इंट्रो आईडी आपने पास किया वहाँ इंट्रो आईडी की जगह बड़ा ये पास कीजिए फर्स्ट है सेकेंड वाली कॉलम ठीक है आप यह क्वेरी पास करें या पास करें सेम है अच्छा आउटर बैंड कॉलम तो हाँ क्या क्या इंट्रो आई डी दूसरी नंबर पर अवेलेबल है फर्स्ट पोजीशन पर एम्प्लॉय आईडी सेकंड पोजीशन पर मतलब वी आर नॉट काउंटिंग द सीरियल नंबर किसी कॉलम में काउंट नहीं हो रहा नहीं नहीं ये मतलब हुआ ना वन सीरियल नंबर काउंट नहीं हो रहा कॉलम ओके तो मतलब सेकंड पोजीशन में है अपने स्टिक जहां स्टिक लगा हुआ है स्टिक का मीनिंग है डिफॉल्ट ऑल कॉलम स्टिक
लेफ्ट रिस्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टार को हम लोग बोलते हैं सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। अब अगर इस सिनेरियो में मैं ऐसा लिखता हूँ सेकेंड कॉलम इनको आईडी होगा अगर थर्ड कुछ हो तो थर्ड को भी लिखा जा सकता था यहाँ पर ठीक है और एक साथ सेकेंड और थर्ड को भी लिखा जा सकता है मल्टीपल कॉलम को एक साथ आप कोलिमेट करके आप ऑर्डर अप्लाई कर सकते हैं वन बाय वन कॉलम को अप्लाई कर सकते हैं ठीक है दोनों के अपने परिमिटेशन है ठीक है पर एक ही परिमिटेशन से ऑर्डर वाइज असेंडिंग या ऑर्डर वाइज डिसेंडिंग जब कभी भी इस सिनेरियो पे फोकस करो ठीक है तो आप अगर दो बार लगाओ यहाँ पे ऑर्डर वाइज हमने एक लगाया दोनों वो एक साथ तो नहीं करता हाँ ऑर्डर बाय वन डिसेंडिंग ऑर्डर बाय टू डिसेंडिंग इसको चला के देखिए सिंटैक्स एरर सिनेरियो क्या कर रहा है जब आप एक साथ ग्रुप ऑफ कॉलम को यूज कर रहे हैं तो ग्रुप ऑफ कॉलम पे क्या करता है तो कॉलम वर्ड को प्रायोरिटी देगा बट आपके रो की एग्जिस्टेंस हमेशा बढ़ रहा है अगर इस टेबल को कंसीडर करते हैं तो सब डेटा रिलेशन किसी भी सिनेरियोज में आप एक कॉलम दो कॉलम किसी तरह से प्रेजेंट करें ठीक है आपके आर टेबल की मेन थॉट जो डेटा इंटीग्रिटी उसको यह कभी भी रो नहीं करेगा जिस फर्स्ट रो को हमने ऑर्डर बाय कमांड दिया वो प्रायोरिटी होगा तो सेकंड में टू भी बेस्ट करेगा बिल्कुल और थर्ड में इसमें किया है कि लास्ट नेम फर्स्ट नेम का या भी लास्ट नेम का ही ऑर्डर टू एंड थ्री तो उस पर भी दो आना चाहिए मैं उस पर मैंने करना लेकिन चीज करना ऑर्डर का टू एंड थ्री ऑर्डर का टू नेम आप इस तरह कर आप इसको मैंने स्पॉट ये बताओ वन मतलब इंडिविजुअल कॉलम को कॉल करते हैं आप ठीक है तो आप उसके सिनेरियो प्रॉपर पढ़ने को जाते हैं ऑर्डर असेंडिंग हो या ऑर्डर डिसेंडिंग हो करेक्टर हो नंबर हो या फिर फॉर हो जब ये आप मल्टीपल प्रूफ कर सकते हैं ठीक है ठीक है कॉलम जमा करते हैं ठीक है तो सारे कॉलम को जमा करता है कॉलम को मर्ज करेगा तो मर्ज करने के बाद उसकी अपना हैश को तैयार करता है ठीक है उसके अकॉर्डिंग डेटा को लेकर देता है ठीक है आपने दो और तीन लगाया इट मीन्स की एम्प्लॉय आई डी और लास्ट नेम ठीक है तो वो डेटा को उसने मर्ज किया मर्ज करके उसकी हेडर को कॉल किया और उसके भी आप उसे ठीक है नॉर्मल इन प्रैक्टिस हम किसी एक कॉलम पे अगर आप सेंड हुए अगर आप उसे मर्ज करते हैं तो तीन से लगा सकते हैं ठीक है बट उसका एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं होता हाँ
आपके डेवलपर आपको ठीक है इसने क्या किया कि इसका डेटा और इसका डेटा दोनों को मर्ज किया ठीक है मर्ज करने के बाद टैग लगने लगा ऑरेकल डेटा को प्रोसेस करने के लिए टाइगर टैग एल्गोरिथम यूज करता है दोनों को मर्ज करके फिर उसकी वैल्यू को पकड़ लेता है इसकी प्योरी शक्ति हाँ तो एक कॉलम पर जो हमारे वैल्यू लगे होते हैं क्योंकि हम उसे सर्च कर लेते हैं ठीक है उससे ज़्यादा पे लगे होते हैं तो हम उस कॉलम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते अब तक हाँ लेता है और नहीं नहीं मुझे काफ़ी मत नहीं है ठीक है बस मुझे डालना पड़ रहा है यहाँ पे एसक्यूएल डेवलपर पेंडा है आपके पास नहीं पहले पेंडा दे दीजिए मैंने इसको स्किप कर देता हूँ सर जो ये एल्गो की बात कर रहे हैं कि हमने दो रो में ऑटो वायर लगाया है तो वो एल्गो लेके गए थे तो फिर तो प्रायोरिटी हुआ नहीं देता वो अपने अकॉर्डिंग वो प्रायोरिटी दिखाई कर रहे ऐसा नहीं कि पहली कोई प्रायोरिटी नहीं 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 ठीक है फर्स्ट का डेटा हमें प्रेजेंट होकर के दिख जाता है रेस्ट ऑफ द रिकॉर्ड हमें विजुलाइज नहीं होता ठीक है आपको डीओ वाइज फुल डेवलप अपने कॉपी नहीं किया अरे पीसी फाइल है दोनों नहीं पीसी फाइल है ये गलती तो करता नहीं आप बना दो कुछ नहीं कर रहा कह रहा था कि सर लैपटॉप पे करवा है पार्टी के लिए नहीं और थर्ड कॉलम को किसी भी केस में आपके डेटा की आइडेंटिटी कॉन्स्टेंट रहेगा इसके साथ में रो का जो डेटा है वो कॉन्स्टेंट करेगा ऐसा नहीं कि रो के फर्स्ट को डेटा यहाँ दिखाया सेकेंड वाले नीचे वो दिखाएगा इट्स इम्पॉसिबल ठीक है इसमें वन और टू को अटेंड करने का वो वाला मैटर तो है नहीं सबको जब तक मिक्स नहीं करेगा तब तक प्रेजेंट नहीं करेगा और अगर उसको सब मतलब एक दूसरे के इंडिपेंडेंट अगर उसको घुमाना स्टार्ट किया ठीक है तो डेटा मिसमैच और क्लैश कर जाएगा तो आरटीएस जिस थॉट पे बिल्डअप हुआ है वो थॉट ही खत्म हो जाएगा नहीं जैसे अगर सेकंड कॉलम में अगर ये रहता स्ट्रिंग रहता नेम रहता तो मैं ये बोल सकते कि अगर एस से चल रहा है तो चार नाम है उसके बाद थर्ड कॉलम उसका जो थर्ड कॉलम है उसमें भी अगर ये है छह मिल जाए तो उसको फिर एस के बाद वाले में वो उसको ये करेगा जैसे नहीं ऑर्डर में वो प्लेस करेगा इसी वैल्यू से सबके साथ लेकर के मर्ज करेगा और मर्ज करके फिर उसको बढ़ाएगा सर ये तो आप समझ रहे मर्ज करके जो सब एल्गो लगाया और उसे प्रेजेंट कर दिया इसमें लॉजिक क्या है फर्म बार कंक्लूजन क्या है लॉजिक में रन की ऐसी दिखा रहा है 100 3 1 1 क्वेश्चन आप अगर आप यहाँ पे यहाँ देख रहे हो 100 देख रहे हो एम्प्लॉय आई डी 100 ठीक है हाँ अब आप आ जाए एम्प्लॉय आई डी
फर्स्ट टाइम प्रसिवन लास्ट टाइम टू ठीक है इतना फर्क पड़ा फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम ठीक पड़ा आपको वही दिख रहा था ना संडे का उसमें दिख रहा था यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपका स्टीवन है लास्ट टाइम किंग है आईडी हंड्रेड है वही डेटा अवेलेबल है ना डेटा मिसमैच नहीं हुआ ना इतने से डेटा को ऐसा नहीं कि फर्स्ट को कर दिया फिर सेकेंड को किया दैट्स नॉट पॉसिबल अगर फर्स्ट के अकॉर्डिंग सेकेंड करना स्टार्ट कर देगा तो आई डी में अपना डेटा कैसे बताएगा हाँ डेटा वो इलीगल हो जाएगा फिर ठीक है तो इसलिए उसको बचाने के लिए सब कुछ मर्ज करता है मर्ज करके डेटा को आपको पास करेगा उसका अपना भी प्लस प्लस है इसका अपना भी प्लस है पैटर्न को डाउनलोड करना पड़ेगा ठीक है फिर चलेगा ये 15-20 मिनट आधा घंटा का टाइम खाता है ठीक है हाँ पैटर्न को डाउनलोड करना ढूंढना ले जाना ठीक है वो टाइम आप लगेगा ठीक है हाँ सेकेंड सिनेरियो सर वो इसका कॉन्सेप्ट वहाँ पर भी तो एक्सेस कर सकते हैं ना डिपार्टमेंट नंबर दे दिया मैंने सेकेंड पोजीशन पर डायरेक्टर उसका डिपार्टमेंट नहीं अगर 30 डिपार्टमेंट में 5 बंदे हैं तो जो 5 बंदे हैं उसका फिर वो डिटेल दे रहा है कभी भी रो आपके डेटा की आइडेंटिटी को करप्ट नहीं करेगा आइडेंटिटी ये तो फिर एक्सेस करके मुझे दिखाएगा प्रेजेंटेशन में ठीक है अगर दो कॉलम का मतलब एक कॉलम को यहाँ दिखा रहा है दूसरी कॉलम उसी घड़ी यहाँ दिख रहा है वो तो वो मिसमैच हो जाएगा वो मिसमैच हो जाएगा उसे बचने के लिए काम करता है हो सकता है आपसे कैंसिल पे हिट हो गया होगा जी पॉसिबल ठीक है सेकेंड सिनेरियो जो है वो ग्रुप बाय का सिनेरियो है ठीक है तो ग्रुप बाय तो हम आते हैं ग्रुप बाय सिनेरियो ठीक है लिस्ट ऑफ कॉलम्स अवेलेबल है आपके पास में ठीक है इस कॉलम में लेट अस सेल्ली कॉलम है ठीक है आप लगाते हैं सम सैलरी न्यू सैलरी मैक्स सैलरी एवरेज सैलरी आप अलग अलग साइमल्टेनियस फंक्शन को यूज करते हैं आप डेजिग्नेशन वाइज जहाँ भी कीवर्ड आ जाएगा यहाँ पर ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आई डी हाँ सर ठीक है जॉब आई डी वाइज ग्रुप बना के डेटा ग्रुप यहाँ भी ग्रुप बनाने की बातें जहाँ ग्रुप कलेक्शन समरी की बातें जहाँ पढ़ा है वहाँ पे ग्रुप बाय यूज हो जाता है ठीक है अब जस्ट लाइक ये तो आपका एग्रीगेट फंक्शन है बट इस एग्रीगेट फंक्शन के साथ जो यूज हो रहा है हार्ड डेट ऐसा कितना हार्ड डेट है जिसमें पर्सन एक से ज्यादा ज्वाइनिंग है जो हायरिंग डे हार्ड डेट हाँ अब ऐसा केस है हाउ मच पीपल वी हैव ठीक है जिसकी हायरिंग डेट सेम है बट एक से ज्यादा मतलब एक से ज्यादा हायरिंग हुआ होगा ठीक है
तो इस केस में क्या करें, एक से ज्यादा आइटम इज काउंटिंग, काउंट एक एक की है, ठीक है। अब वो है कौन सा, वो है कौन सा, इट मीन्स कि हमें अगर इस टाइप के रिकॉर्ड्स को प्रेजेंट करने का, हम तो यहाँ ग्रुप लगा है, कुछ एक भी दिख रहा है और कुछ एक से ज्यादा भी दिख रहा है, ठीक है। एक से ज्यादा का केस है, इट मीन्स हैविंग काउंट हार्ड डेट ग्रेटर देन वन। और पीछे वाली क्वेरीज में ये लगा हुआ था, यहाँ की क्वेरीज में आदमी अप्लाई हुई, क्यों आदमी अप्लाई हुआ, ये सुदीप को छोड़ के रेस्ट पर्सन एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा। जहाँ भी जाते हैं छोटे छोटे बंदे को मिल ही जाते हैं, अब तो हालात हो गए, मानते हैं 8-10 हज़ार बंदे हमारे घूम रहे हैं। ये तो सर एक पोटेंशियल टारगेट है, दोनों काम तो एक ही है, ये अभी काम चेंज तो कर लिया है, हैविंग का काम चेंज कर दिया, जो है मोटर वन पॉइंट है जो एक बार यूज करते हैं और कंडीशनल स्टेटमेंट में एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ एग्रीगेट फंक्शन भी है, तो कौन सा है वहां पर, कौन हाई रेट एग्रीगेट फंक्शन भी हो रहा है, आपने अप्लाई किया है कौन सा हाई रेट की जगह पे एक कौन एग्रीगेट फंक्शन, इस लेवल पर जो कंडीशन सप्लाई हो रहा है उसके लिए हाई रेट की प्रेशर करी करी अगर वेयर करेगा सिंटेक्स खराब कर देगा, वेयर कौन सी होगा, मतलब हैवी कौन सी होगा, हां कौन सी बात है, पहला पॉइंट यहां वेयर अप्लाई नहीं होगा, हां। अब अगर ऐसा केस नहीं है कि ग्रुप बाय में हमें हर जगह हैविंग लगाते हैं, ऐसा नहीं, ग्रुप बाय में वेयर लगता है, ग्रुप बाय में वेयर अप्लाई होगा, हाँ। इट मीन्स आप ऐसा कुछ ले जाए तो सिंटैक्स इशूज तो खत्म हो गया, हाँ सिंटैक्स इशूज तो खत्म हो गया बट लॉजिकल इशूज है, और ये हाँ नहीं ये सिस्टम करेक्ट, ग्रुप बाय फंक्शन इज नॉट अलाउड हियर, इट मीन्स यहाँ पर वेयर काउंट हाई डेट लगा हुआ है दैट इज इलीगल, ठीक है। तो यह मेथड तो गलत है, लेकिन क्या हम ऐसा कुछ और वैल्यू लगा सकते हैं यहाँ पर, हम क्या लगा सकते हैं, वेयर
डिपार्टमेंट आई डी इक्वल्स टू 100, क्या हम ये चला सकते हैं? बिल्कुल चला सकते हैं, अब इसके बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं और बहुत सारे आंसर सुन रहे हैं. Find duplicate recording available. Find duplicate recording available. अब कैसे निकालना चाहेंगे? Find duplicate record available. बोला तो ऐसा ही जाता है. और आप answer भी ऐसा देने को तैयार हो जाएंगे. But आपका counter question क्या होगा? किस कॉलम की फाइंड डुप्लीकेट रिकॉर्ड ऐसा क्वेश्चन है इंजीनियर क्वेश्चन करते हैं फाइंड डुप्लीकेट रिकॉर्ड आप कॉपी करते बट आपका कॉर्डर क्वेश्चन होना चाहिए जैसे टेबल की कौन सी कॉलम ठीक है उससे आंसर आएगा कोई भी क्वेश्चन पता ही नहीं है मुझे फिल्म में हजारों रिसर्च है उसमें डुप्लीकेसी भी आ गई है कुछ रिकॉर्ड निकाल तो नहीं बहुत अलग है कि आप केसेस को हटा दिया आप उसमें चले रिकॉर्ड फाइंड आउट करेंगे फिर मुझे पता ही है ना तो उसमें फिर आप फिर लगा वही तो सब को उसके लिए सब को ही लगाना अभी के लिए सिर्फ कोई करना ठीक है अब बताइए कैसे निकालेंगे आपके पास एम्प्लॉयर टेबल है तो उसके ऊपर भी बात को करना है नहीं है तो मैं दिखा देता हूँ एम्प्लॉयर टेबल सेलेक्ट फर्स्ट नेम मान लेते हैं फर्स्ट नेम मैं डुप्लीकेट नेम बताना है एक डिजिग्नेशन पर इस टेबल के अकॉर्डिंग एक डिजिग्नेशन के ऊपर कितने परसों कर लिए और देखिए आपने जो ये वर्ड्स लगाया ना दिस ठीक है यही एग्जैक्टली इंप्लीमेंट होगा डुप्लीकेट रिकॉर्ड के लिए ठीक है ठीक है क्या अप्लाई करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाई फर्स्ट नेम हैविंग काउंट नॉट अ ग्रुप बाई तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर इतने लोग रिपीट हो रहे हैं लास्टिक लगा हुआ था वही कॉलम नेम पास कर दिया जो कॉलम नेम पर ग्रुप आई लगता है ना उस कॉलम मेंशन होगा हाँ, उस कॉलम आंसर होगा तो आपने उस का क्या स्ट्रिक्ट हो गया फर्स्ट नेम पास हां ये फर्स्ट नेम कौन सा है तो उसको लिंक कर दो बिल्कुल कितनी बार आ रही है ठीक है अगर आप उसका रिपीटेशन देखना चाहें तो रिपीटेशन के लिए क्या करें इसको आप कॉपी करें और यहाँ प्रेजेंट करें अब पॉइंट यहाँ पर है कौन फर्स्ट नेम ये सबको दिख रहा है और हम नहीं चाहते हैं हम क्या चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि यह रिकॉर्ड एज ए रिपीटेशन एज नंबर
हाइड हो करके एज अ एरिया आप कॉल हो गए आपके आप चेंज करना चाहें तो फर्स्ट नेम भी चेंज हो जाएगा यहाँ पर एक विदाउट एज कीवर्ड लगाए एक विथ कीवर्ड अपने अप्लाई किया दोनों के ठीक है एक एड कीवर्ड का अप्लाई किया हमने एक विदाउट एड कीवर्ड का अप्लाई किया जो आपके कॉलम हेडर पर दिखते हैं ठीक है इस क्वेरी में और मिस्टिंग क्वेरी में क्या डिफरेंस है मैं सिर्फ ये कह रहा इस क्वेरी में और डिस्टिंक्ट में क्या डिफरेंस है डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट वर्ड सुने हैं डिस्टिंक्ट जो आपने भी चलाया अभी अभी तो आपने निकाला कि एक से ज्यादा जो वैल्यू आ रहा है वो दिखाया ठीक है अब मैं क्या कर रहा जो यूनिक वैल्यू सिर्फ है उसको निकाल रहा इट मीन्स हम यहाँ कमांड चला सेलेक्ट डिस्टिंक्ट जितने भी डुप्लीकेट नाम थे वो चलेंगे और जितने दो बार ये सिंगल लेन जो है वही सिंगल पर्सन के चलेंगे सिंगल भी रिपीट करेगा मल्टी टाइम रिपीट हुआ तो फिर ये रिजल्ट बिकॉज का क्वेश्चन था कि मल्टी टाइम रिपीट जो बोला है उसको बताएं मुझे क्वेश्चन है कि सिंगल लेन रिपीट हुआ सिंगल निकल जाएगा तो उसमें अगर ये डिस्टिंक्ट क्वेरी चलाने के लिए ऊपर वाले में हैविंग काउंट इक्वल टू 1 कर सकते हैं हैविंग काउंट अच्छा तो उसमें हाँ 1 में तो मतलब क्या डालोगे हाँ जी हैविंग काउंट भी लगा सकते हैं पर फिर डुप्लीकेट वाले भी आता ना नहीं आता एटी वाला आता इसमें दो तीन चीजें वो सब गायब हो जाएगा यहाँ दो तीन वाला गायब हो जाएगा जहाँ पर दो तीन जो भी आ रहा है वहाँ पे एक दे रहा है मैं कह रहा हूँ नीचे वाला क्वेरी चलाने के लिए पहले उसने इंटरनली ऊपर वाली क्वेरी चलाई तो उसके लिए क्या फिर उसने अपनी पूछा हुआ ठीक है जैसे हमेशा यूनिक कीवर्ड एक एक कीवर्ड से है एक एक कीवर्ड और एक एक कीवर्ड का इम्पोर्टेंस और फील है ठीक है आप इसको यूज करेंगे चलाएंगे आप इसे इसीलिए तो यूज किया जाता है इसे जो रिपीट नहीं कर रहा एक बार आ रहा है तो आ ही रहा है जो मल्टी टाइम्स आ रहा है वो भी एक अब तक आपको क्लियर पॉइंट अब सिनेरियोस सेलेक्ट काउंट स्टार काउंट क्या है ये एम्प्लॉई मैनेजर है नहीं है सेलेक्ट काउंट स्टार अगले हम मैनेजर आईडी ठीक है यहाँ पर एक कॉमन सा हिडन इंटरव्यू क्वेश्चन
और अगर बताएं कि डिफरेंस क्या है, ये ऐसा मत बताइए कि मेरा डी और मुझे टेक्निकल आंसर चाहिए ना, ज़्यादा मत नहीं है ज़्यादा आपको तो छोटे मोटे गेम्स खेलेगा तो ये बड़ी नहीं करेगा, इस बड़ी का बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है कौन नल हैंडल नहीं करता, वो मैनेजर है जिसने 616 पढ़ा हुआ है उसमें एक हैंडल नहीं करता, ठीक है, और जिसमें काउंट स्टार लगा होगा तो सारे मतलब इम्प्लॉय आई डी कॉल कर स्टार उनको लगा हुआ है पहला कॉल है इम्प्लॉय आई डी कॉल कर रहा है, ठीक है, लेकिन इम्प्लॉय आई डी के सारे कॉलम कर दे रहे हैं, एक भी लग गए, ठीक है, नॉर्मल काउंट स्टार का मीनिंग माना जाता है और जो अगर कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है काउंट स्टार इसका मीनिंग कभी नहीं हो सकता ऑल को क्योंकि पॉसिबिलिटी डिफरेंट है और उसमें टेबल एक्सप्लोडिंग नहीं डाली, लेकिन सर अगर काउंट मैनेजर आईडी हटा देते हैं काउंट स्टार के नहीं हटा तो हमेशा वो फ्रेंडली की वाले से है और फ्रेंडली की वजह से मन ऐसा ऐसा कौन सा है फ्रेंडली की नहीं लगा तो नेशनल डेटाबेस में फ्रेंडली के लिए रहेगा तो कैसे नहीं ये के लिए लॉजिकल क्वेश्चन है कॉन्स्टेंट लगाना और कॉन्स्टेंट नहीं लगाना, ठीक है, कॉन्स्टेंट लगाना और फॉरन की लगाना ऐसे बहुत सारे टेबल होते हैं जिसे फॉरन की ही दिखता है फ्रेंडली दिखता ही नहीं कॉन्स्टेंट से प्राइमरी नहीं है, ठीक है, इन दैट सिनेरियो, ठीक है, वहाँ पर नल अगर ट्रेट होता है, ठीक है, तो नल के ट्रेट में वैल्यू दिखाया जाता है, इट मीन्स कि कौन स्टार का मीनिंग कभी भी ऑल अराउंड मटेरियल नहीं होता है, हम इससे ऐसा कुछ एडजेक्ट आंसर नहीं दे सकते, ठीक है, कौन स्टार, ठीक है, स्टार का मीनिंग वहाँ पर ये भी सकते आप बता सकते हो आपसे कि फर्स्ट कॉलम जो है, ठीक है, उसको नॉर्मल वैल्यू को काउंट कर देगा, इस नॉट का मीनिंग कॉल करेगा, बट इफ यू हैव टू अप्लाई प्राइमरी की ये भी बट इफ अप्लाई यूनिक यूनिक की और प्राइमरी की क्या डिफरेंस है, मल्टीपल प्राइमरी का स्कोप ग्लोबल है यूनिक का स्कोप प्राइमरी की का रेफरेंस देते हैं आप यूनिक की का रेफरेंस प्राइमरी की का क्लस्टर आईडी जनरेट होता है यूनिक का क्लस्टर आईडी जनरेट नहीं होता, ठीक है, इसका क्लस्टर होगा तो यूनिवर्सल ग्लोबल होगा, ठीक है, इसका क्लस्टर नहीं होगा तो वो लोकल होगा, यूनिक की का क्लस्टर नहीं है इसलिए वो लोकल है, प्राइमरी की लोग उसके मतलब उसका क्लस्टर जनरेट हो रहा है इसलिए वो लोकल है, इसमें फिर मल्टीपल क्वेश्चन आपको हर किसी को प्रॉपरली आंसर करना है, जैसे उसका लॉजिकल क्यों आंसर नहीं है मतलब काउंट स्टार काउंट बैंक आई डी काउंट बैंक आई डी से निकाला है काउंट सिक्स है तो काउंट स्टार वन से निकाल आप आपको लॉजिकल नहीं होता क्या मतलब काउंट स्टार पिक्चर ऑल वैल्यू दैट हैव नॉट नल नॉट ऑन
कॉल अवेलेबल है तो मन वहाँ पर फंस जाता है नॉर्मली बहुत सारे ऐसे टोन चेक हो गए ना जैसे लाइक कॉन्ट स्टार कॉल रोज ठीक है ये टोन से चेक होते हैं ठीक है ऐसा वो भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ठीक है ये चीज़ें तब समझ में आती है जब आप कमांड चलाते हैं ठीक है आप कॉलेज से ट्रेनर से कहीं भी पढ़ के आते हैं अगर उस ट्रेनर के माइंड में गलत कल्चर बैठा हुआ है ठीक है और आपने उसकी आर एन डी नहीं किया ठीक है तो आप उसी फंसेंगे वो भी आपके काउंटर चला जाएगा इस चीजों को आप कैसे वेरीफाई कीजिएगा कौन रिस्पेक्ट कौन से आपको अलग अलग कॉलम पे लगाना पड़ेगा अगर आप ट्रेनिंग नहीं ले रहे हो ले रहे हो ठीक है गूगल कर रहे हो ठीक है तो कौन रिस्पेक्ट फ्रॉम टेबल में कैसे देख सकते क्या आप उस पर कॉलम भी लगाते बिल्कुल लगा सकते थे एक कॉलम लगाते दो लगाते दस लगाते और सब में वैल्यू होता अप्लाई नहीं करते और यह सिनेरियो तब आता है जब इंसान कर रहा होता है ठीक है किसी जगह फंस रहा होता है गाड़ी की मिस हो रहा है ये गाड़ी जो अगर यहाँ पर नल लगा हुआ है नल तो हैंडल नहीं करता ठीक है तब पॉइंट उठ कैसे आता है अदरवाइज कॉन्ट स्ट्रिक का 99% पीपल के काम पे होता है ऑल ओवर ठीक है आप वहाँ एक्सप्लोर करेंगे ठीक है ये सारे सिस्टम का डीप कंसेप्ट सिर्फ दोनों सिक्वल ही है जो मैं बता रहा हूँ वो भी सिक्वल ही है ये चल रहा है वो भी सिक्वल है ऑल रोज या टेबल वो भी सिक्वल ही है ठीक है सब ये पार्ट ऑफ है ठीक है तो काउंट डिस्ट्रिक्ट एंड काउंट मैनेजर नेम इसलिए मैंने निकाल के दिया कि मैनेजर आईडी वाले कॉलम में एक वैल्यू नल है एक वैल्यू नल है इसलिए 106 दिख रहा है आईडी का 107 दिख रहा है काउंट आ गया मैंने पहली क्वेरी चलाया था इस पर लास्ट का एवरेज वैल्यू ये क्या है आपके कैलकुलेटर आपको जवाब दे रहे होंगे नहीं आएगा 13 डिजिट तक तो होता है 13 और ये अप्रॉक्सीमेटली 13 सबसे इधर ही चला गया आप इसे कैसे काउंट कीजिएगा और किस सिनेरियो में आप इसे देखिएगा शेयर मार्केट 0.1% फ्लक्चुएट होता है कितने की करेंसी कितनी की गरीब मिल जाएगी और कितनी अभी गरीब आ जाएगी हम लोग उस रेंज में नहीं दिख रहा है लाते हैं अब पॉइंट ये इस रेंज में ये पॉइंट दिख रहा है इस रेंज को आप कब जस्टिफाई करते हो इस वैल्यू की जरूरत कब होती है आपको इस डोमेन में जरूरत होती है आपको जहाँ भी कहीं फाइनेंशियल डेटा लगाया जाता है एनपीओसी केस में भी थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं आपका जो आर्टिकल है ऑनलाइन ऑफिस ऑपरेशन कर रहा हूँ ठीक है और उसकी बाइक थोड़ा सा जहाँ भी डेटा की सेंसिटिविटी हाई होती है तो इंजीनियर को भी कोशिश करना पड़ता है लेकिन आप किराने की दुकान पे गंदा तोड़ रहे हैं क्या कर रहे हैं उसके से राउंड शुरू कर लेते हैं आप ठीक है कहाँ तक राउंड की तरफ लीगल प्रॉपर्टी भी आ गए ऑपरेशन सर ये कहीं भी होता है बहुत डिटेल रहेंगे
एटॉमिक वैल्यू है तो यहां साइज में अनलाइटेड एंड दिस इज द इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम जहां भी डेटा की एक्यूरेसी का बहुत बहुत है कंसंट्रेशन बहुत हाई कंसंट्रेशन की वो का जब तक तक जो हार्ड बीट का टाइम फर्स्ट बीट लोग देखते हो इतना किसी की सेंसिटिव हो हो सकता है मेरी अकॉर्डिंग सेंसिटिव है डॉक्टर अकॉर्डिंग से वो ना होने के बाद हाँ उनके साथ सही हो हाँ मतलब ये वो बता सकते हैं ठीक है बट मेरे अकॉर्डिंग इस टाइप की सीनारी ठीक है यहाँ पे हाई डेटा है ठीक है हम कोशिश नहीं करते हैं कुछ करते हैं बट नॉर्मल केसेस जो हैं ठीक है यहाँ पर कि सी आर एम की टाइप की एप्लीकेशन है ठीक है किसी भी टाइप की टाइप की इससे अगर तो आसानी से चलाई जा सकती है एडवेंस जो आप लिख रहे हो एवरेज एवरेज में क्या राउंड ऑफ की आई को नहीं कहता है हाँ नहीं मैं ऐसा बोला ही नहीं कि नहीं लेगा मैं तो सिर्फ सेंसिटिव डेटा की बात कर रहा था अब इस सेंसिटिव डेटा को आप राउंड फिगर ले सकते हैं राउंड फिगर टू डिजिट आपको तीनों वैल्यू दिख रहा है 8317757 यह भी दिख रहा है आपको 832 भी दिख रहा है आपको 831 भी दिख रहा है इट मींस योर वैल्यू फोर्थ वैल्यू 7 है ग्रेटर देन 5 इसलिए राउंड उसको 2 कर दिया 1 को 2 कर दिया ठीक है और ट्रंक आज यदि वहीं तक रख दिया पाया गया पैसे ज्यादा कुछ भी हो कोई फर्क नहीं दोनों के अपने अपने रीजन हैं जहाँ भी करें अरे वो 7 की जगह 4 होता तभी 81 आता फॉलो करने के बट क्लियर है राउंड द ट्रंक का ठीक है बट हमारी हमारे तरफ से आप राउंड द ट्रंक पे अपने आगे के लिए होगी बेहतर आगे के लिए डिजिटल है मुझे पता है क्या है राउंड तो राउंड टर्म क्या है यार बैकअप है हमारी रुचि नहीं है अगर हमारी टेंशन में लेकिन दैट्स अ पॉइंट कि किसी पर्सन जो है स्कूल पे जस्ट फ्रेंडली है बेटर काम करता है ये यूजफुल होता है लेकिन ये मान के चलता है कि डीजे को आता होगा ठीक है तो कभी भी ये दिमाग नहीं लगाता डीजे को नहीं लगता अब लेकिन प्रोग्राम की बेटर एनालिसिस प्रोग्राम क्यों नहीं ठीक है डीबी को सब ना पता डीबी को बाइनरी लाइब्रेरी ना पता तो किसको पता होगा जो सिस्टम एडमिन है उसी को ना पता छोटे छोटे बच्चों को तो नहीं पता होगा जो कल इसने सिस्टम एंट्री किया है मैडम टेस्टिंग पैटर्न जितना करना है कर लीजिएगा डेवलपमेंट प्रोडक्शन सडनली नहीं होता ठीक है और ये ध्यान रखिएगा अगर आप अपने तरफ से 100% पे नहीं है ठीक है तो आप इंटरव्यू अटेंड कीजिएगा तो वो भी बदल जाएगी आपको अपने तरफ से 100% होना ही पड़ेगा आप सीरियस हैं 100% हैं सामने वाला रिस्पॉन्स दे देगा क्योंकि आप गलती करने के चांसेस नहीं होंगे अदरवाइज प्रोडक्शन से चार बार हाथ जोड़ जाते हैं प्रभु बता क्योंकि जिस दिन प्रॉब्लम आती है उस दिन बहुत सारे तमाशे होते हैं ठीक है और अगर SLA ब्रेक होने लगती है स्टेज वन की ठीक है तो जो कंपनी आपको हायर किया उस कंपनी को पेनाल्टी भरनी पड़ती है और उस पेनाल्टी से बचने के लिए सारे काम झाम कर लेते हैं
एक बार जिस डीबीए की वजह से पेनाल्टी लग जाता है वो डीबीए कहीं किसी कंपनी के ऊपर डीबीए नहीं बन पाता है, ठीक है, यह सिनेरियो होता है, ठीक है। इसलिए हर कोई पर्सन आपको यह जरूर अलर्ट करेगा, प्रोडक्शन छोड़ा क्यों छोड़ा, चार बार पांच बार दस बार पचास बार आपको अलर्ट करवाएगा, प्रोडक्शन छोड़ने से पहले अलर्ट हो जाएगा, ठीक है। वैसे जो आप बात कर जो मैं बात कर रहा हूँ ये बात है, ठीक है, इन्हें समझने के लिए मैं ऐसे से इन्वायरमेंट देख रहा हूँ, प्रोडक्शन से बैठे को ही चला रहा हूँ और मैं खुद चला रहा हूँ, ठीक है। प्रोडक्शन मतलब इनकम फाइल हो जा रहा है और पीछे हम बैठे के लिए जा रहे हैं, अरे जा रहा है रहे दिन कर रहा है, ठीक है। ये कहानी हमारी प्रोडक्शन से हुई थी, ठीक है। यदि पूरा सर्वर कैश हो गया था उस मैं अकेले मैं खुद करने वाला हूँ प्रोडक्शन से, ठीक है। हाँ मैं खुद दूसरे बंदे को बैठा तो ना जी अभी नहीं परसों बैठ जाना, हाँ कब तक काम होंगे, रिकॉन्सिलेशन होता है मैं खुद बैठा होता हूँ, ऑडिट होगा मैं खुद बैठा हुआ, ठीक है। लेकिन ये सब सिनेरियो में कम लोग हैं तो ऐसा हो जाएगा, मुझे भी डर है ना कि पैसा मेरे पैकेट से ही जाएगा, ठीक है। राउंड और ट्रंक फंक्शंस क्या कर रहा है भाई, मोर देन और लेस देन अब इस सिनेरियो में मैं एक ही मेथड डिस्कस करूंगा जिसका नाम है सब स्ट्रिंग, ठीक है। सब स्ट्रिंग जो एग्जिस्ट जो करंट स्ट्रिंग में डेटा को रिप्लेस करता है, ठीक है। रिप्लेस इट मींस सब स्ट्र एक फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन में प्रभात में ए के रिकॉर्ड को एल के रिकॉर्ड से रिप्लेस कर रहा है। दो तीन सेंसिटिव क्वेश्चंस आ गए आपके पास, सॉरी सब स्ट्रिंग पार्ट ऑफ स्ट्रिंग है, ठीक है। और 1-4 स्ट्रिंग को ये पास कर रहा है, बना लीजिए, हाँ मेरे लिए आसान हो जाता है, हाँ वो दूसरी टीम की।